गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द जॉली कपूर्स। सो गाइस मैं आ गया हूँ अल्मेटी में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अपना रूम टूर रमाडा का। रमाडा से हमें एक घंटा लगा इस जगह में पहुँचने में। सो ये एशिया का लार्जेस्ट स्कीइंग रिजॉर्ट है जो कि पड़ता है अल्मेटी में, कजाकिस्तान में। इसका जो नाम है वो है शिमलोक, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। ये इसकी जो रचना रची गई थी जिसको हम फाउंडिंग डे बोलते हैं, जो फाउंडिंग ईयर था इसका वो था 1940 में इसको फाउंड किया गया था और तब से ये रिजॉर्ट चल रहा है। 25 किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है पूरा का पूरा रिजॉर्ट। आप देख सकते हैं क्या ब्यूटी है सामने। यहाँ पे है इस टाइम -11 डिग्री और -11 डिग्री में आपने देखा हमने बिल्कुल पैक किया हुआ अपने आप को, पूरा पैक करना पड़ता है आपको। और स्कीइंग इज़ नॉट अ ईजी स्पोर्ट, तो स्कीइंग अगर आपको करनी है तो आई थिंक उसके लिए थोड़े से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। बाकी हम यहाँ से टिकट्स ले रहे हैं, स्टे कनेक्टेड, मैं आपको दिखाता हूँ कि टिकट्स कितने की हैं। और इसके अंदर गाइस केबल कार भी है, तो यहाँ से हम केबल कार से जाएंगे। वो अगर आप सामने देखते हैं केबल कार चल रही है वहाँ पे, वो आप सामने देखिए वो केबल कार जा रही है। तो अभी हम केबल कार में जाने वाले हैं, इसमें 4 लेवल हैं केबल कार के, वो ऊपर तक केबल कार जा रही है तो उसी में हम जाने वाले हैं अभी। बाकी स्टे कनेक्टेड। यहाँ पे हमारे सन्नी पाजी क्लिकिंग पिक्चर्स, ये रही हमारी टीम। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, द जॉली कपूर, ही इज माय बॉस मिस्टर ग्रैम कार्टर, यू मस्ट हैव सीन हिम इन लॉट्स ऑफ वीडियोस। जैसलमेर के वीडियो में आपने इनको देखा होगा। सो गाइस जो ये मेरे साथ हैं सुहानी, आप देख सकते हैं सुहानी जी, ये बेचारी कल बीमार हो गई थी, डॉक्टर को हमें बुलाना पड़ा, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। पहले मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पे हो रही है एंट्री हमारी। ये मैडम ने कर दी एंट्री, ये खुल गया गेट और हम आ गए अंदर। और ये सामने आप देख सकते हैं केबल कार, जो इसकी टिकट आई है गाइस वो आई है 4000 रुपये की, 4000 टेंगे की। यहाँ पे चलते हैं गाइस टेंगे, अगर आप कभी भी यहाँ पे आ रहे हैं तो डॉलर लेके मत आइए, टेंगे ही लेके आइए। बैठना शुरू करें, चलो बैठो। हाँ तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप कभी भी आ रहे हैं तो आपको करेंसी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे आइए और एटीएम से निकाल लीजिए। ओके सो टोटल गाइस 5500 मीटर पे है ये, और हम जा रहे हैं जो 4 लेवल हैं इसमें, हम जा रहे हैं वी आर गोइंग टिल 2 लेवल। वी विल गो फॉर 2 लेवल, या व्हाई वी आर नॉट गोइंग टिल 4 लेवल? बिकॉज़ इन द यस्टरडे यू सी फॉर स्नोइंग इज नॉट गुड वेदर। ओके इज क्लोजिंग। ओके सो गाइस वी आर गोइंग टिल लेवल 2। आप देख सकते हैं सामने क्या नज़ारा है, जन्नत है गाइस, ये जन्नत। अगर आप हनीमून डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं सो दिस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। ये बैठे हैं यहाँ ये करनाल के गुंडे छोटे वाले दिल्ली से, मेरे से बड़ा गुंडा तो है ही नहीं यहाँ कोई। वो देखिए ऊपर गाइस, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। अच्छा तो कल मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो सुहानी आपको मैंने सुहानी से मिलवाया था, वो यहाँ पे कल एडमिट हो गई थी, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा क्योंकि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो उसका अल्ट्रासाउंड भी हुआ और 3 इंजेक्शन भी लगे, बट इन्होंने हमसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। सो विच आई थिंक इज़ वेरी गुड, बिकॉज अगर आप दिल्ली में ही देखते हो अल्ट्रासाउंड के कितने कितने हज़ारों रुपए हमें देने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी वेलकमिंग लोग लगे, काफ़ी हेल्पफुल लोग लगे। और डॉक्टर रूम तक आ गया था, उसने भी कोई चार्जेस नहीं लिए। बट फिर भी आप जब भी यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस लेके चलिए, बिकॉज यू नेवर नो। यहाँ तो अभी पेट दर्द का मामला था, आगे बढ़ गया तो फिर पता नहीं वो चार्ज भी कर सकते हैं। मॉर्निंग का जो टाइम है स्कीइंग का वो है सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक, और जो इवनिंग का है वो है 7 से लेकर रात को 12 बजे तक। यहाँ पे लगता है डर ये जब झटका मारती है ना, बट गाइस जो व्यू है यहाँ का वो अमेजिंग है। सो गाइस ये देख सकते हैं नीचे आप घर देख रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ के लोकल लाइट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं,
और उस साइड पे गया है रिजॉर्ट अभी जो शिमलॉक रिजॉर्ट है, सामने आप देख सकते हैं येलो कलर की हट्स बनी हुई है। सो गाइस ये देखिए सामने रिजॉर्ट है, ये बिल्ला है, बिल्ली क्या जबरदस्त रिजॉर्ट है गाइस, यहाँ पे रहो आप टू नाइट्स मजा आ जाए आपको। ये देखिए ऊपर रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट है गाइस, सही में इसमें रहो टू नाइट्स। This is level one. This is for level, the level one. Yes, for level one. So we are going to level two. I think yes. और यार स्कीइंग करके आ रहे हैं नीचे लोग। Wow, guys देखिए स्कीइंग हो रही है, वहाँ से आ जाओगे आप नीचे? Sir, can I stand in this? Yeah, yeah, standing good. Because now she's for open. Okay. Are we getting down here? Yeah. So guys ये आप देख सकते हैं सामने हो रही है स्कीइंग। ऊपर आप देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं स्कीइंग करते हुए, बट अभी हम हैं लेवल वन पे, और अगर आप ये स्कीइंग करना चाहते हैं तो आपको लेवल टू पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से होती है स्कीइंग। ये देखिए लोग ऊपर से स्कीइंग करते हुए आ रहे हैं, वो देखिए किस स्पीड पे आ रहे हैं लोग स्कीइंग करते हुए। तो यहाँ पे गाइस गिद्ध भी है, अगर आप गिद्ध के साथ खेलना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो ये आप सामने देख सकते हैं गिद्ध, काफ़ी बड़ा गिद्ध है सर। गाइस यहाँ पे तीन कमांड भी हैं, अब ये पकड़ेंगे गिद्ध, तो आप देखिए कैसे गिद्ध पकड़ते हैं। हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? अल्मेटी। ओके ओके, अस्ताना। ओके गाइस, इसकी ना आँखें इन्होंने कवर की हुई हैं ताकि इसको कुछ दिखे ना, अगर इसको दिख गया, अगर इसको दिख गया, ओ गाइस इसका मुंह देखिए, इसकी आईज इन्होंने कवर की हुई है ताकि उसको पता ना लगे ये है कहाँ पे। गाइस जब ये इनको बोलते हैं कुछ तो ये फड़फड़ाती है, उड़ने को तैयार हो जाती है। 1 person 3000। गाइस देख रहे हो आप क्या डेंजरस चीज है ये, कैसा लग रहा हूँ? हम हैं सुल्ताने हिंद, मेरी सारी रानियों को पेश किया जाए। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रही है स्कीइंग, और मेरे को आती नहीं है स्कीइंग, तो मैं सिर्फ देखने आया हूँ, और अगर आप करना चाहते हैं स्कीइंग तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया ये अल्मेटी से 1 घंटे का रास्ता है, उसके बाद आपको कम से कम 20 मिनट की केबल कार यहाँ पे लेनी पड़ती है। अभी हम हैं स्टेप वन पे, और इसमें है अगला जो स्टेप है वो स्टेप टू है। स्कीइंग जो मेन होती है वो वहीं से होती है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस होती है, मगर आप प्रॉपर अगर स्कीइंग करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा स्टेप टू पे, जो कि वहाँ पे है। ये देखिए क्या स्पीड पे आ रहे हैं लोग, क्या स्पीड पे है गाइस, मज़ा आ गया। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगा, बिकॉज ये मेरे को देखने में इतना एडवेंचरस और डेंजरस लग रहा है। आई विश मैं ये कर पाता तो मैं आपको करके दिखाता, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ मेरे भाई लोगों के लिए, सिर्फ मेरे जॉली कपूर्स फैमिली के लिए।